हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लम्बाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग जो भी आपकी ओपन काउंसलिंग होने वाली है पीजी डिप प्रोग्राम के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डेट्स होंगी, किस तरीके से आप करें, तो वो सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राइट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। इसके साथ साथ इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आप पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो ओपन काउंसलिंग के लिए, जो आपकी पीजी प्रोग्राम के लिए आपका यहाँ पर ओपन काउंसलिंग हो रही है, उसकी डेट अगर देखें तो आपकी 30 को आपका डिपार्टमेंट वाइज आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और ये डिपार्टमेंट वाइज लिंक प्रोवाइड करा भी दिया गया है। आज मैं 30 को ही आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। राइट, तो ये 30 को ही आपको वीडियो बना रहा हूँ, और आपकी जो डेट ऑफ काउंसलिंग है वो आपकी 1 दिसंबर देखने को मिलती है, यानी कि कल के दिन। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका ओपन काउंसलिंग का जो परफॉर्मा आया है उसको देख लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो ओपन काउंसलिंग के लिए आपका जो ऑनलाइन लिंक आए हैं वो आपके और इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। राइट, सबसे पहले तो जो भी डिजायर, जिसकी भी डिजायर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पीजी कोर्स करने की, वो सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन मोड पे ओपन काउंसलिंग होने वाली है। राइट, इसके लिए क्या क्या आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या आपकी सेटिस्फाई करेंगे आप अपनी कंडीशन, तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ले उससे प्रोग्राम के रिगार्डिंग। उसके साथ साथ जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के बाद आप उस में कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुई तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सीयूसेट 2020 में आपने उस कंसर्न्ड प्रोग्राम के लिए चॉइस के रूप में आपने सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, जब भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आपकी ओपन काउंसलिंग पीजी प्रोग्राम के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी काउंसलिंग क्या प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपकी अटेंडेंस मार्क करनी होगी, जो भी आपके गिवन शेड्यूल है, यानी कि 1 दिसंबर को आपके 9:30 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक आपको यहाँ लिंक के माध्यम से, डिपार्टमेंट के जो भी लिंक प्रोवाइड करा रखें उसके माध्यम से आपको वहाँ पर अटेंड होना है, अटेंडेंस आपको लगवानी है। राइट, इसके साथ साथ अटेंडेंस में बात करें तो आपके जो भी गूगल मीट के थ्रू हो या जूम के थ्रू ऑनलाइन मोड पे होगी, तो उसमें आपके जो भी आपके नेम होंगे, नेम की जगह गूगल मीट की आईडी होगी, उसमें आपका रोल नंबर आप फिल करेंगे। राइट, तो ये भी आप ख्याल रखें, ये आपका रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी स्टूडेंट गूगल फॉर्म फिल करेंगे, गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो मैंडेटरी है सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर गूगल फॉर्म फिल करें, जब भी उनको कंसिडर किया जाएगा उसके लिए। राइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जो भी आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो भी आप देखते रहें, ये भी आपको बताया गया है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट है वो कंप्लीट कर लेगा एडमिशन प्रोसेस, और जो भी आपकी प्रोसेस होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है उस कोर्स की, और उसके साथ साथ आपकी जो भी डेट है उस पर आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है। अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर जो सीट होगी वो दूसरे नेक्स्ट कैंडिडेट को आपकी अलॉट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कई कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हॉस्टल एडमिशन के लिए आपका क्या करना होगा, क्या और कोई कंडीशन और कोई फॉर्म फिल करना है या नहीं, तो यहाँ पर गैस आपकी सेपरेट प्रोसेस होगी एडमिशन हॉस्टल के एडमिशन के लिए, तो ये भी आप ख्याल रखें। अगर आपको फी रिफंड करनी है तो जो भी कैंसिलेशन केस होंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिफंड भी मिल जाएगा, इसके लिए भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ जो भी प्रोविजनल सब्जेक्ट है उसके लिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पीजी प्रोग्राम के लिए ओपन काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी रिजल्ट, जो भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं, उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और सीयू सेट की जो आपकी रिजल्ट है ना, वो भी आपको साथ लेकर जाना है। इसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं। डिपार्टमेंट वाइज ये वेरीफाई होगा इस टाइम के अकॉर्डिंग। राइट, तो पीजी के लिए आपका 9:30 से लेकर 12:30 तक आपका ये टाइमिंग रहने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का। ये आपके कुछ गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, इसका पूरी पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। जैसे कि आपके अलग अलग जो भी आपके कोर्सेज हैं उनकी यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आप ख्याल रखें कि हर एक
का फॉर्म दिया हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ से डिपार्टमेंट्स ने तो यहाँ पर अपने जो आईडी हैं आपके, किसके थ्रू करना है, गूगल मीट के थ्रू करना है या किसी के थ्रू करना है, वो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस रहती है। और अगर आपको कोई भी अगर इशू होता है तो इशू के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, जो भी आपके डिपार्टमेंट की आपकी लिस्ट दी हुई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप डाउनलोड करके जो भी HOD हैं, पब्लिक TIC हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में TIC हैं तो TIC को आप कॉल करेंगे HOD के अलावा, ठीक है। तो HOD की जगह आप TIC को कॉल करें और उनसे पूछिए कि इस डिपार्टमेंट में ये सीट्स हैं और इन पर मैं ओपन काउंसलिंग पर हिस्सा लेना चाहता हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वो सॉर्ट आउट जरूर करेंगे, राइट। तो ऐसी कुछ सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग थी। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सभी आप ओपन काउंसलिंग में जो जो भी जिस भी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है वहाँ पर आपका एडमिशन हो, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।